अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ योर फिज़िक्स क्लास, चैप्टर नंबर 18, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर मिस्टर दाहान। प्रीवियस हम चैप्टर नंबर 18 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस। मेडिकल, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में हमने इसके यूजेस को डिस्कस किया था, ठीक है। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया था। आज हमने डिस्कस करना है फिशन रिएक्शन। फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो फिशन रिएक्शन का एक ऐसा प्रोसीजर होगा जिसमें एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटेगा और दो छोटे न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। एक बड़े पार्टिकल का टूट के दो छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाना, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है, न्यूक्लियर फिशन टेक प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235, ठीक है। कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा, वही डिसइंटीग्रेट होगा, वही टूटेगा, ठीक है। जैसे कि यूरेनियम, आपको पता है यूरेनियम एक अनस्टेबल, नेचुरल अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। स्प्लिट्स और फिशंस इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई बाय एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग लो एनर्जी न्यूट्रॉन, ठीक है। आपने न्यूट्रॉन सिर्फ पढ़ा हुआ है, न्यूट्रॉन्स की भी टाइप्स होती हैं, एक स्लो मूविंग, एक फास्ट मूविंग, एक इंटरमीडिएट मूविंग, ठीक है। लेकिन हमने फिशन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन यूज़ करना है वो स्लो मूविंग होना चाहिए, ठीक है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है वो आके यूरेनियम न्यूक्लियस पे बार्ड होगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद एक हमारे पास इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनेगा, या फिर कंपाउंड न्यूक्लियस, जो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होता है, जिसके ऊपर स्टार बना होता है, ठीक है। कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा जो कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है, फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा दो न्यूक्लियाई में, और हमारे पास इस रिएक्शन में तीन न्यूट्रॉन्स इमिट आउट होंगे, ठीक है। आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये डायग्राम में एक न्यूट्रॉन है ब्लू, वो आगे यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ क्या कर रहा है, क्लेइन कर रहा है। क्लेइन करने के बाद इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बना है। वो इंटरमीडिएट न्यूक्लियस क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी शेल्स होते हैं, ठीक है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए थे वो पहले ही मौजूद हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आके जब उसके ऊपर बम्बार्ड हुआ है, तो उस न्यूक्लियस के पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हो गया, तो वो क्या किया, उसने अपनी जो स्टेबल स्टेट है उससे वो एक्साइटेड स्टेट, अपर स्टेट में चला गया। अब उस स्टेट से वो दोबारा अपनी जब ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो अपने अंदर से पार्टिकल्स को इमिट आउट करेगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दो पार्टिकल्स बने हैं और हमारे पास थ्री न्यूट्रॉन्स क्या हुए हैं, इमिट आउट हुए हैं, और एनर्जी हर रिएक्शन में क्या होगी, इमिट आउट होगी। इसकी जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन में देखें, आपके पास एक न्यूट्रॉन है, वो यूरेनियम 235 पे बम्बार्ड हुआ है, उसके बाद यूरेनियम 236 बन गया है, एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज हुआ क्योंकि न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहा है। एक्स वाई जो है, हमारे पास दो पार्टिकल्स इमिट आउट हुए हैं और न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कितने निकलेंगे, थ्री। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं इसकी। अब इसमें कहा है, जो ये जनरल इक्वेशन है इसको ही एक्सप्लेन किया है, वेयर यूरेनियम 236 इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेट दैट लास्ट ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई कॉल्ड फिशन फ्रेगमेंट्स, ठीक है। जो हमारे पास एक्स वाई पार्टिकल्स बने हैं उन्हें हम कहते हैं फिशन फ्रेगमेंट्स। ये हमारे पास यूरेनियम 236 जो है वो एक इंटरमीडिएट स्टेट है, जो कि थोड़ी ही सेकंड्स के लिए रहती है, और ये हमारे पास किस में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, एक्स वाई पार्टिकल्स में, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन किसने ऑब्जर्व किया था, ऑटो हैन एंड फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन ने, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है 1939 में इस फिशन रिएक्शन को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। यूरेनियम स्प्लिट इनटू टू नियरली इक्वल फ्रेगमेंट्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, द प्रोसेस आल्सो रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ टिपिकली टू और थ्री न्यूट्रॉन्स। मतलब कि हमारे पास एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उस पर हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को
बम्बार्ड करवाया तो वो क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट स्टेट हो गया। इंटरमीडिएट स्टेट से जब दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा दो न्यूक्लियाई में, और हमारे पास थ्री न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट आउट होंगे। इसकी जो इक्वेशन है, पहले ऊपर जनरल इक्वेशन है, ये जो हमारे पास रिएक्शन इक्वेशन है वो नज़र आ रही है आपको। न्यूट्रॉन है उसको बम्बार्ड करवाया है यूरेनियम 235 पे, बेरियम और क्रैप्टॉन बना है, और हमारे पास थ्री न्यूट्रॉन्स क्या हुए हैं, इमिट आउट हुए हैं। इन न्यूक्लियर फिशन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लेस देन द ओरिजिनल मास ऑफ द हैवी न्यूक्लियस। कह रहे हैं इस जो रिएक्शन में जो हमारे पास यूरेनियम का मास है वो हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ द अदर न्यूक्लियाई, क्योंकि हमारे पास जब आपने मास एनर्जी आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन देखी हुई है उसमें क्या होता है कि जब मास टूटता है तो एनर्जी में चेंज हो जाता है। जब हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस टूटेगा तो उसका मास थोड़ी कुछ क्वांटिटी में एनर्जी में चेंज हो जाएगा, और हमारे पास वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आपको मिल जाएगी जैसे हमने जनरल इक्वेशन में पढ़ी थी। ठीक है, मेजरमेंट शो दैट द अबव 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी इज रिलीज ईच फिशन रिएक्शन। एक फिशन रिएक्शन होता है उसमें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है। दिस इज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द अमाउंट रिलीज इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस में जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं उनके कंपैरिजन में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके साइड लोग को भी आपने करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 ठीक है वोल्ट के इक्वल होता है। ये सारी एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन के बाद हमने इसका करना है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होता है, देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि एक हमने यूरेनियम न्यूक्लियस लिया है उसके ऊपर हमने क्या किया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया। जब हमने उसको उसके साथ रिएक्शन करवाया न्यूट्रॉन का और यूरेनियम का, तो दो फिशन फ्रेगमेंट्स बने हैं और साथ में थ्री न्यूट्रॉन्स क्या हुए हैं, इमिट आउट हुए हैं। अब वो थ्री न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, वो आगे की तरफ मूव करेंगे, वो आगे देखेंगे कोई हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस उसके साथ फिर से रिएक्ट करेंगे, फिर उसमें से हर थ्री न्यूट्रॉन्स हैं, थ्री न्यूट्रॉन्स थ्री न्यूक्लियस के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, थ्री न्यूट्रॉन्स के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो हर न्यूट्रॉन में से रिएक्शन हर न्यूट्रॉन के यूरेनियम के साथ या किसी भी न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करने से मज़ीद तीन 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 न्यूट्रॉन्स इमिट आउट होंगे, मतलब के टोटल नाइन हो गए। वो नाइन जो हैं वो आगे नाइन न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेंगे, वो नाइन से दोबारा जो उनका ट्रिपल ट्रिपल होता हुआ इसी तरह जो से ये न्यूट्रॉन्स निकलते रहेंगे, न्यूट्रॉन्स निकलते रहेंगे और वो क्या करते रहेंगे, आगे न्यूक्लियस के साथ क्या करते रहेंगे, रिएक्शन करते रहेंगे। इस रिएक्शन को हम कहते हैं चेन रिएक्शन, मतलब कि एक न्यूट्रॉन था उसने यूरेनियम के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करने से थ्री न्यूट्रॉन्स निकले, उन थ्री न्यूट्रॉन्स ने आगे तीन न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट किया, उधर से हमारे पास नाइन न्यूट्रॉन्स निकले, उन नाइन न्यूट्रॉन्स ने आगे नाइन न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट किया, उधर से हर थ्री थ्री में से निकले तो आप देख रहे हैं 27 न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। तो ये 27 आगे 27 न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। वी हैव सीन दैट न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन यूरेनियम 235 अंडरगोज फिशन रिएक्शन। दीज न्यूट्रॉन्स कैन इन टर्न ट्रिगर अदर न्यूक्लियाई टू अंडरगो फिशन विद द पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेन रिएक्शन। कैलकुलेशन शो दैट इफ़ द चेन रिएक्शन इज़ नॉट कंट्रोल, अगर हम इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे इट विल प्रोड्यूस टू रैपिडली, ये इतनी जल्दी से होगा, एंड पॉसिबली रिजल्ट इन द सडन रिलीज ऑफ एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी क्योंकि उससे एक्सप्लेन हो सकता है कि हमारे पास तीन न्यूट्रॉन्स थे, उन्होंने आगे थ्री न्यूक्लियस इसका साथ रिएक्ट किया, तो हर फिशन रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती रहेगी, तो हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगी कि उससे एक्सप्लोजन हो सकता है। जैसे कि आपको इसकी डायग्राम नज़र आ रही है चेन रिएक्शन की, न्यूट्रॉन ने यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ क्या किया है, रिएक्ट किया है, रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ है, हमारे पास दो न्यूक्लियाई बने हैं, थ्री न्यूट्रॉन्स बने हैं, उन थ्री न्यूट्रॉन्स ने आगे तीन न्यूक्लियस के साथ रिएक्ट किया, फिर थ्री 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 न्यूट्रॉन्स क्या हुए हैं, हर रिएक्शन में क्या हुए हैं, इमिट आउट हुए हैं। अब वो थ्री क्या करेंगे, आगे जाके जो हैं रिएक्ट करते रहेंगे, इसी तरह हमारे पास ये रिएक्शन चलता रहेगा, इसे हम कहते हैं चेन। ठीक है, चेन का मतलब क्या होता है, एक बात दूसरे से तीसरे में ऐसे ही चेन क्या चलती रहती है। यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, अब हमारे पास इस फिशन रिएक्शन में या फिर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके क्या क्या यूजेज हैं। ठीक है, दिस फिशन
चेन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर. क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इस क्या करते हैं, इनके आगे रिएक्टर्स रख देते हैं, इनके अंदर एब्जॉर्बर्स रख देते हैं, वो न्यूट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम इन न्यूट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर देते हैं. आ न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर यूजफुल पर्पसेस इन दिस सॉर्ट ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन. सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन किसे कहते हैं, जो खुद